गोल्डफिश अभी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है एंड आप अपनी गोल्डफिश को इस तरह से देखना चाहते हैं, देन गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे गाइज, माय नेम इज अमित ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग फिश एंड फिन्स। लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सो जैसा कि आप लोग वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे दैट इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्डफिश के ग्रूमिंग के बारे में। काफी सारी वीडियो से गाइज मैं आप लोगों को कहते आ रहा हूं कि मैं गोल्डफिश के ग्रूमिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और काफी सारे लोग उस चीज के बारे में जानने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। सो टुडे इज द डे गाइज दैट आई विल बी शोइंग माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू ग्रूम अ गोल्डफिश। सो गाइज, ग्रूमिंग आप लोगों ने अभी तक कुछ प्रेफर्ड कॉन्टेक्स्ट में ही सुना होगा। फॉर एग्जांपल, डॉग्स की ग्रूमिंग कैसे की जाती है, कैट्स की ग्रूमिंग क्यों होती है और ह्यूमंस अपने आप को कैसे ग्रूम करते हैं। बट क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि गोल्डफिश की भी ग्रूमिंग होती है? देर आर वेरी लेस पीपल गाइज जो गोल्डफिश की ग्रूमिंग के बारे में जानते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर दैट वॉट एग्जैक्टली अ ग्रूमिंग मीन्स। सो गाइज, हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज की। फॉर एग्जाम्पल, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज में गाइज ग्रूमिंग एक मेजर बोल सकते हैं अवेयरनेस है अमंग दी गोल्डफिश कीपर। वो लोग जानते हैं एंड दे डू वेरी ऑफ्टनली फॉलो दैट प्रोटोकॉल जिससे वो अपनी गोल्डफिश को उसके एट इट्स बेस्ट पे शो कर पाते हैं और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में अपनी गोल्डफिश को वो लोग कम्पीट करते हैं एंड उनकी गोल्डफिश जो होती है वो चैंपियन ग्रेट चैंपियन ब्लड लाइन से आती है और उसकी फिश की प्राइस भी फिर उतनी ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए गाइस कि इंडिया में गोल्डफिश की ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो गोल्डफिश की ग्रूमिंग के बारे में जानते हैं। सो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो शायद आप लोगों को पहले नहीं पता होगी। तो गाइस, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू ग्रूम अ गोल्डफिश और व्हाई टू ग्रूम अ गोल्डफिश, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली द टर्म ग्रूमिंग मींस। ग्रूमिंग एक ऐसी टेक्निक होती है या एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप अपने फिश को उसके एट इट्स बेस्ट पे शो कर पाते हैं। There are few parameters which are responsible, जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब आप गोल्डफिश की ग्रूमिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उन सभी पैरामीटर्स के बारे में एक एक करके मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। सो सबसे पहले गाइज जो होता है पैरामीटर वो होता है टैंक का साइज। अब गोल्डफिश की ग्रूमिंग की जब हम बात करते हैं और गोल्डफिश के अंदर आपको पता है काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। सो बेसिकली यहाँ पे तीन ही कैटेगरी की मैं बात करूंगा, र्यूकिन, ओरांडाज एंड रांचूज, बिकॉज यही तीन फिश जो होती है वो सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग की जाती है इनकी और यही जो होती है शो ग्रेड या कॉम्पिटिशन लेवल पर कम्पीट करती हैं एक दूसरों के साथ। सो बात करते हैं गाइज ओरांडा की। जब आप ओरांडा को ग्रूम करने का सोच रहे हैं तो एक ओरांडा को ग्रूम करने के लिए गाइज आपके पास एटलीस्ट 3 फिट का एक्वेरियम होना चाहिए। एटलीस्ट 3 फिट का एक्वेरियम इन लेंथ होना चाहिए, उस एक्वेरियम की जो विड्थ है वो एटलीस्ट 18 इंचेस की होनी चाहिए और उस एक्वेरियम का हाइट जो है गाइज वो एटलीस्ट 20 इंचेस के प्लस होना चाहिए। सो ये तो हुआ गाइज एक ओरांडा को ग्रूम करने के लिए। बात करते हैं एक र्यूकिन की। सो एक र्यूकिन को ग्रूम करने के लिए गाइज आपके पास टैंक का साइज एटलीस्ट 3 फिट का होना चाहिए, लेंथ 18 इंचेस की होनी चाहिए और उसकी जो हाइट होती है गाइज र्यूकिन को ग्रूम करने के लिए एटलीस्ट 22 इंचेस के प्लस होने चाहिए। सो देर इज अ रीजन वाई कि गोल्डफिश की ग्रूमिंग के अंदर ओरांडाज और र्यूकिन के टैंक की हाइट जो है वो ज्यादा क्यों रखी जाती है, बिकॉज गाइज ओरांडाज एंड र्यूकिन जो होती है इनकी बॉडी जो होती है वो राउंड शेप में होती है एंड र्यूकिन की यदि हम बात करते हैं र्यूकिन का तो बैक जो होता है वो भी काफी हाई होता है। सो जिस वजह से यदि हम फिश को शैलो वाटर के अंदर रखेंगे तो ग्रूमिंग के अंदर जो उसका इफेक्टिवनेस होगा वो उतना ज़्यादा निखर के नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे टैंक के साइज को जो है वो यहाँ पे डीप टैंक प्रेफर किया जाता है फ्रॉम यू कैन कंसिडर फ्रॉम एज इन टर्म्स ऑफ द हाइट कि टैंक का जो डेप्थ होना चाहिए यानी कि जो हाइट होनी चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रूमिंग ओरांडाज एंड र्यूकिन्स पर्टिकुलरली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रांचू। यदि आप रांचू को ग्रूम करने का सोच रहे गाइस तो रांचू को ग्रूम करने के लिए आपके पास टैंक का साइज एग्जैक्टली 3 फिट का होना चाहिए। टैंक के विड्थ की यदि हम बात करते हैं तो टैंक का विड्थ 18 इंचेस का होना चाहिए और यहाँ पे टैंक की हाइट की जब हम बात करते हैं तो टैंक की हाइट भी 18 इंचेस ही होनी चाहिए। अब गाइस जैसे कि आपको पता है कि र्यूकिन जो होते हैं बेसिकली इलॉन्गेटेड शेप के होते हैं, जो एग कर्व जिन्हें कहा जाता है इस तरह से होते हैं, दे आर नॉट दैट मच राउंड। उनका बैक जो होता है एक एंगल के ऊपर स्लांटेड होता है जिस वजह से उनको ग्रूम करने के लिए टैंक की हाइट जो होनी चाहिए वो शैलो होनी चाहिए। दैट मींस 18 इंचेस इज द परफेक्ट एंड आइडियल साइज फॉर ग्रूमिंग एन ओरांचू व्हेन वी टॉक अबाउट द हाइट। सो ये तो था गाइस टैंक के डायमेंशंस को लेके। अब बात करते हैं कि यदि आपको गोल्डफिश को ग्रूम करना है तो कितने फिश को ग्रूम करने के लिए क्या स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी।
सो यदि आप मान के चलिए कि यदि आपके पास 2 से 4 फिश है तो आपको टैंक के अंदर अपने फिश को ग्रूम करने के लिए यदि 4 फिश है तो एटलीस्ट 5 फिट का टैंक होना चाहिए, और यदि 2 या 3 फिश है तो आपके पास एटलीस्ट 4 फिट का टैंक तो होना ही चाहिए, दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। यदि आप 4 फीट के टैंक के अंदर या 5 फीट के टैंक के अंदर 8 से 10 या 12 गोल्ड फिश डाल देंगे गाइस, तो उनको स्पेस उतनी नहीं मिलेगी और आपकी ग्रूमिंग की जो प्रोसेस होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, और आप इतने टाइम पेशेंट नहीं रख पाएंगे अपने आप को कि यार मेरी गोल्ड फिश अभी तक ग्रूम क्यों नहीं हो रही है एंड आई एम डूइंग ऑल माई बेस्ट। सो ये तो था गाइस गोल्ड फिश के टैंक के बारे में, उनके साइज को लेकर, डायमेंशंस को लेकर। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज ग्रूमिंग द गोल्ड फिश इनडोर और आउटडोर। यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट मेजॉरिटी ऑफ फिश कीपर इन इंडिया कोई भी अपने एक्वेरियम को या कोई भी अपनी गोल्ड फिश को घर के अंदर रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैं भी अपने फिश टैंक को घर के अंदर ही रखता हूँ, ओपन सनलाइट में अपने टैंक को नहीं ले जा पाता हूँ, नहीं रख पाता हूँ। और बहुत कम लोग हैं गाइस जो वो इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं कि वो अपनी गोल्ड फिश को ओपन सनलाइट में रख पा रहे हैं या यू नो ओपन एटमॉस्फेयर में रख पा रहे हैं। सो यहाँ पे गाइस दोनों के ही मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो यदि हम गोल्ड फिश की ग्रूमिंग के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें गाइस, तो प्रेफर्ड तो यही होता है कि यदि आप अपनी गोल्ड फिश को ग्रूम करना चाहते हैं, यदि आप अपनी गोल्ड फिश को बेस्ट दिखाना चाहते हैं, तो आप अपनी गोल्ड फिश को सनलाइट में ग्रूम करें। बिकॉज गाइस सनलाइट जो होती है प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ग्रूमिंग ऑफ अ गोल्ड फिश, बिकॉज सनलाइट के अंदर UVA और UVB रेज होती है। सनलाइट से आपके फिश को डायरेक्ट विटामिन मिलते हैं, सनलाइट से फिश के कलर जो होते हैं वो इन्हांस होते हैं, सनलाइट आपके फिश के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो देर आर वेरी हाई इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। एंड देर इज अनदर इंपॉर्टेंट गाइस कि सनलाइट की वजह से आपके वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, और वो आपकी गोल्ड फिश की ग्रूमिंग के लिए एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सो ये तो था गाइज आउटडोर ग्रूमिंग को, मगर मैं जानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंडोर ग्रूमिंग। यदि आप गाइज इंडोर ग्रूमिंग प्रेफर करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने टैंक के अंदर ऑप्टिमम लाइट का यूज करना चाहिए। यदि आप फुल स्पेक्ट्रम लाइट का यूज कर सकते हैं देन इट इज वेरी बेस्ट, और यदि फुल स्पेक्ट्रम लाइट नहीं भी आपके पास है तो एटलीस्ट आपके टैंक के अंदर लाइट जो है वो ब्राइट होनी चाहिए, ताकि फिश जब ग्रूम हो रही हो तो उसके ऊपर प्रॉपर लाइट जो है उसको पड़े, और ताकि वो उसकी बॉडी जो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, जिस वजह से उसके कलर्स भी उतने अच्छे हो। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पैरामीटर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड फिश की ग्रूमिंग को लेके, और वो होता है गोल्ड फिश के फूड या डाइट या फीडिंग को लेके। सो यहाँ पे काफी सारे लोग गाइस सुन के शॉक हो जाएंगे कि मैं अपनी गोल्ड फिश को जब ग्रूम कर रहा था तो मैं अपनी गोल्ड फिश को दिन में 7 to 8 टाइम्स फीड करता था। आप लोगों ने गाइस हमेशा सुना होगा दैट अपनी गोल्ड फिश को कम फीड करें, और अपनी गोल्ड फिश को स्विम बैडर डिसीज होती है वो हो जाती है, तो आप खाना बिल्कुल कम दें, कोशिश करें कि दिन में हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखें। बट ये सारी चीज़ें गाइस ग्रूमिंग के अंदर फॉलो नहीं की जाती है। ग्रूमिंग में आप अपने फिश को ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से जल्दी हो पाए। सो यहाँ पे गाइस ग्रूमिंग के अंदर जब हम बात करते हैं तो आप अपनी फिश को एटलीस्ट दिन में 6 to 7 टाइम्स फीड करते हैं, और यदि मैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करूं जो प्रो लेवल के ग्रूमर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं, वो अपनी गोल्ड फिश को एवरी 1.5 आवर्स या एवरी 2 आवर्स फीड करते हैं, सिर्फ 5 से 6 घंटे का ब्रेक देते हैं रात के टाइम पे, एंड अगेन दे स्टार्ट फीडिंग देयर फिश इन एवरी 2 आवर्स ऑफ इंटरवल। लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपनी गोल्ड फिश को जब ग्रूम कर रहे हैं तो आपको अपनी गोल्ड फिश को एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स तो जरूर फीड करना होगा, जिसके अंदर आपको वेराइटीज ऑफ डाइट को परफॉर्म करना होगा। सो बात करते हैं पैलेट को लेके, तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि गोल्ड फिश जो होती है उनको आप हाई क्वालिटी फूड फीड करें, जिसके अंदर पैलेट्स में मैं साकी का हिकारी हर बार आप लोगों को प्रेफर करता हूँ। एंड देयर इज अनदर फूड गाइज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे वेरी रिसेंटली अभी मिला है, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी इस वीडियो के अंदर आपको करके बताता हूँ कि ये कौन सा पैलेट है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाई क्वालिटी पैलेट जो कि आप अपनी गोल्ड फिश को दे सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रूमिंग। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड आई विल अनबॉक्स दिस राइट नाउ। I love the sound of this cutter. So guys, this is the pellet that I was talking about. Apart from the Saki Hikari, आपको कुछ feed करना है तो that is the Shogun pellet, guys. इस pellet के बारे में guys, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि this is a pellet that is a manufactured in Thailand, और Thailand में Jack Shogun करके एक breeder हैं जो कि world renowned breeder हैं in goldfish, और उनकी एक famous bloodline है that is Shogun bloodline. सो ये उन्होंने फूड डिराइव किया है अपनी गोल्ड फिश को ग्रूम करने के लिए। सो दैट इज़ अ वेरी पॉपुलर फूड, काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मैंने इसके सुने हैं, और ये इंडिया में गाइज वेरी फ्यू पीपल है जो इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। सो जहाँ से मैंने ये फूड परचेज किया है गाइज, मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो मेक श्योर यू गो एड एंड चेक दम आउट। एंड या इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पैलेट आउट देयर। अब गाइज इफ वी टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फूड, वो मुझे इसकी खास बात जो सबसे ज़्यादा लगी वो ये इस फूड के अंदर एस्ट्राजेंथिन का होना।
एस्ट्राजेनेका गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके गोल्डफिश की कलरेशन को लेके, इंप्रूव करता है स्पेशली रेड कलरेशन को जो होता है एस्ट्राजेनेका प्रमोट करता है। सो दिस फूड इज रिच्ड इन एस्ट्राजेनेका। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो नॉट लेस देन 42% है, फैट जो है वो 6% के अप्रॉक्स है विट इज़ क्वाइट गुड, फाइबर जो है वो 3% है एंड मॉइस्चर भी 11% है, दैट मीन्स इट्स अ सिंकेबल पैलेट। ये टैंक के अंदर जो आपको फीड करेंगे तो आराम से सिंक कर जाएगा। सो या यू कैन डेफिनेटली चेक दम आउट, आई विल मेंशन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सेलर इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो, यू कैन गो एड एंड चेक दम आउट एज वेल। सो अभी गाइज मैं अपने गोल्डफिश को पैलेट के अंदर, अभी मैं साकी हिकारी फीड कर रहा था बट नाउ आई विल फीड शोगन का पैलेट और मैं एटलीस्ट 7 to 10 डेज फीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट भी शो करूंगा कि 10 डेज की शोगन की फीड करने के बाद मेरी गोल्डफिश के कलर्स में क्या इंप्रूवमेंट आया है, मुझे क्या लगा इस फिश के। तो मैं इसका एक ऑनेस्ट ओपिनियन रिव्यू जो होगा वो जरूर अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर, सो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहे। सो गाइस ये तो था पैलेट के अंदर, अब बात करते हैं पैलेट के अलावा। आपको जेल फूड की रेसिपी मैंने चैनल के ऊपर शेयर की थी जिसमें दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी गोल्डफिश की ग्रूमिंग के अंदर, बिकॉज दैट इज रिच इन प्रोटीन, दैट इज रिच इन फाइबर, दैट इज रिच इन विटामिंस। सो मेक श्योर यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है यू कैन चेक इट आउट समवेयर अप अबव इन द आई कार्ड। सो या दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग। सो आपको अपनी गोल्डफिश को 7 to 8 टाइम्स फीड करना है। आप मान के चलिए कि 2 to 3 घंटे के इंटरवल पे आप अपनी गोल्डफिश को फीड कीजिए, 2 घंटे का आप इंटरवल सेट कीजिए, हर 2 घंटे पे आप अपनी गोल्डफिश को थोड़े से पैलेट्स या थोड़े से जेल फूड फीड कीजिए। अब यहाँ पे गाइस फोर्थ पैरामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ फिल्ट्रेशन। यदि आप अपनी गोल्डफिश को दिन में 7 to 8 टाइम्स फीड करेंगे गाइस तो आपकी गोल्डफिश वेस्ट जो होगी वो हाई लेवल का वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वही लोग सिर्फ ग्रूमिंग को परफॉर्म करें जिन लोगों के पास टैंक के अंदर फिल्ट्रेशन जो है वो एक्सटर्नल फिल्टर है या टॉप फिल्टर लगा रखा है और अपने गोल्डफिश के टैंक के अंदर वो वाटर चेंज करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। दैट मीन्स यदि मैं बात करता हूँ तो अभी मेरे टैंक के अंदर गाइस सनसन का HW304B कैनिस्टर फिल्टर लगा हुआ है एंड स्टिल गाइस आई डू 10 to 15% ऑफ वाटर चेंज ऑन डेली बेसिस। ऑन डेली बेसिस गाइज आई डू 10 to 15% ऑफ वाटर और वीक एंड पे नहीं कि एवरी संडे आई डू द 50% ऑफ वाटर चेंज। सो दैट इज द सीक्रेट गाइज कि यदि आप लोगों को अपनी गोल्डफिश को ग्रूम करना है तो आपको वाटर चेंज जो होंगे वो बहुत फ्रीक्वेंट करने होंगे। एवरी डे आपको 10 to 15% या 20% वाटर चेंज आप कीजिए और वीकेंड पे यानी कि एवरी 7 डेज आप अपने टैंक का 50% वाटर चेंज करिए और दोबारा वाटर फिल कीजिए। यदि आपके पास कैनिस्टर फिल्टर नहीं है गाइस तो आप DIY ओवरहेड सम फिल्टर बनाइए, मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट दैट ऑल्सो। सो आप सम फिल्टर के अंदर हाई बायोलॉजिकल मीडियाज मैकेनिकल मीडियाज का कॉन्सेंट्रेशन रखें ताकि यदि आपके टैंक के अंदर अमोनिया बनता है इतनी फीडिंग देने के बाद तो उसको डीकम्पोज करने के लिए डीनाइट्रीफाई करने के लिए आपके पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो आपके बायोलॉजिकल मीडियाज के रूप में। सो या गाइस दिस इज ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन, दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग, दिस इज ऑल अबाउट द टैंक साइज। सो ये था ग्रूमिंग के बारे में। सो लेट्स सी गाइस आप ये प्रोसेस जो है वो 7 to 10 डेज फॉलो करके देखिए, आई एम वेरी श्योर आपको डिफरेंस देखने को पता चलेंगे अपने टैंक के अंदर। एंड मैं आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर पोस्टेड रखूंगा गोल्डफिश के टैंक को लेके, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन फॉर ऑल द फ्यूचर एंड अपकमिंग वीडियोज। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे एंड आई एम गोना कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, peace.